वेलकम बैक टू दी चैनल एक्सप्लोर मोर विद रॉनी। होप करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हो गए और मेरी वीडियो देख रहे हो गए। अभी भाई दिन की नई शुरुआत करने जा रही है। आज हमारी शुरुआत हो चुकी है। ये लोकेश भाई है जिनके साथ मैं कल आया हुआ था यहाँ पे मैक्लोडगंज में, और मैं रुका हुआ हूँ मुस्टैश हॉस्टल में, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। मुस्टैश हॉस्टल में रुका हुआ हूँ। आज हम जा रहे हैं त्रियुन ट्रैक करने के लिए। तो त्रियुन ट्रैक है करीबन यहाँ से 11 किलोमीटर है, और यहाँ से हम चलेंगे बक्सुनाथ के पास में। हमारा हॉस्टल था मुस्टैश हॉस्टल, जहाँ पर हम रुके हुए हैं, और बहुत ही अच्छा हॉस्टल है जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। फिलहाल तो हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहे हैं। मॉर्निंग में पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं त्रियुन ट्रैक के लिए। और आज रात हम त्रियुन में ही रुकने वाले हैं, और देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रात को जब यहाँ पर पहुँचे थे बहुत ज़्यादा ठंड थी, और कहीं ना कहीं जो हमारे जो रूम में जो रुके हुए थे, डॉर्मेट्रीज में जो रुके हुए थे लोग, और उनसे बात बात हुई, और यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने बताया कि त्रियुन में बहुत ही कम स्टे, पहले तो स्टे ऑप्शन बिल्कुल अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, कोई भी कैंपिंग नहीं हो रही थी, पर अब कैंपिंग अवेलेबल है, पर कहीं ना कहीं लोग रुक नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। बाकी वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहता है त्रियुन ट्रैक जाते, अगर लगेगा कि भाई रुकना चाहिए तो बिल्कुल रुकेंगे, स्टे करेंगे। और छोटा लगेज लेके जा रहा हूँ, छोटा सा बैग लेके जा रहा हूँ अपने साथ, और ज़्यादा भारी बैग नहीं लेके जा रहा। तो अभी फ़िलहाल मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, फिर चलेंगे जी त्रियुन ट्रैक करने के लिए। तो जी नाश्ता कर लिया, आलू परांठा मंगवाया, ब्रेड ऑमलेट मंगवाया, आराम से बैठे थोड़ी देर, और उस शॉप पे यार भीड़ नहीं थी इसलिए हम चले गए थे। बाकी वहाँ पे जाके पहाड़ों वाली फीलिंग आ रही थी। छोटी छोटी शॉप बनी हुई है क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे शॉप पे जाके। लोकल शॉप पे बैठोगे तो लोकल का टेस्ट जो है आलू पराठे का टेस्ट हो गया जैसे वो बनाते हैं, तो वो टेस्ट पहाड़ों वाला फील आता है और पहाड़ों वाला टेस्ट आता है। तभी हम बैठ गए थे वहाँ पे जाके, बाकी थोड़ी देर बैठे और उसके बाद अब निकलते हैं जी घूमने के लिए। मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे और त्रियुन ट्रैक के लिए निकलेंगे। तो जी अभी हम पिछले एक घंटे से लगातार चल रहे थे और बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है यार, और यहाँ पर ऊपर पहुँचने के बाद अभी हवा तो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और मीठी मीठी धूप निकली हुई है, पर अच्छा बहुत लग रहा है। और यहाँ पे बीच में कैफ़े भी बहुत सारे आ गए थे। ये पहला कैफ़े आएगा नीचे, जब हम धर्मकोट तक पहुँचे थे और जो गल्लू टेम्पल है उसके आसपास बहुत सारे कैफ़ेज़ थे, पर उसके बजाय आप त्रियुन ट्रैक स्टार्ट करोगे तो ये नेचर कैफ़े आएगा, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ पर मैगी है, सब कुछ आपको, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक सब कुछ आपको मिल जाएगा, कॉफ़ी भी मिल जाएगी, चाय भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप रुक सकते हो थोड़ी देर के लिए। बाकी हम यहाँ पे आधा घंटा स्पेंड करेंगे क्योंकि साथ बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, और अभी करीबन यहाँ पे रुकने के बाद फिर निकलते आगे। करीबन 2 से 2.5 घंटे अभी लगेंगे त्रियुन टॉप पर पहुँचते हुए, और बीच बीच में आपको ज्वाइन करते हैं। तो भैया त्रियुन जाने के लिए कितना टाइम लगेगा अभी? अभी तो भैया 3 घंटे लगेंगे, 2.5 से 3 घंटे। 2.5 से 3 घंटे वैसे ओपन है त्रियुन? त्रियुन तो ओपन है लेकिन कैंपिंग नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा स्नो है ऊपर। अच्छा, तो बीच में कैफ़े आता है वो कितनी देर होगी? अभी लगेगा आधा घंटा और। आधा घंटा और स्नो पड़ी हुई है? बहुत स्नो है। तो वहाँ पे रुकने का कोई भी इंतजाम नहीं है, कैंपिंग या कुछ हो? रुकने का तो नहीं है भैया कोई भी, कुछ नहीं। तो कैंपिंग हो कहाँ पे रही है अभी? वो त्रियुन से थोड़ा नीचे आके है। तो वहाँ पे होंगे रुकने के लिए? अच्छा, और कितनी देर लगेगी यहाँ से जाने में? यहाँ से नहीं जा पाओगे भैया, वो अलग रास्ता है, बक्सू से जाना पड़ता है वहाँ के लिए। बक्सू से? तो जी त्रियुन कैंपिंग के लिए जा रहे थे, यहाँ पे बीच में एक भैया की शॉप आई और हम यहाँ पे रुके थे, और भैया ने हमें बताया कि त्रियुन में तो कैंपिंग अभी फ़िलहाल तो बंद हुई है,
और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी हुई हुई है, तो इसलिए आधे रास्ते से थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो वहाँ से स्नो आपको दिखने लग जाएगी, तो कहीं ना कहीं रास्ते स्लिपरी होंगे, आप पूरा ट्रैक नहीं कर पाओगे। और जहाँ पे कैंपिंग होती है वो बक्सू से कोई और रास्ता जाता था, जो कि हम वहाँ से नहीं गए और हम दूसरे रास्ते से आए हैं, तो कैंपिंग तो हमें अवेलेबल कहीं ना कहीं नहीं होएगी। तो अभी त्यून जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी विंटर का टाइम है और अभी स्नोफॉल ज़्यादा हुई हुई है, तो कहीं ना कहीं रास्ते ब्लॉक होंगे। तो जी कई लोग कह रहे हैं जो वहाँ तक गए हैं तो स्लिपरी, कई रास्ते स्लिपरी थे, जो लोग यहाँ पे अभी रास्ते में मिले उन्होंने बताया कि स्नोफॉल हुई हुई है बस स्लिपरी है। बाकी लोग कह रहे हैं कि थोड़ा देख कर आओ आप, आपको अच्छा लगेगा वहाँ तक जाने में। बाकी कुछ ये भी बताया कि वहाँ पर रूम्स अवेलेबल है, नहीं तो कैंपिंग के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, पर देखते यार वही कि अगर नहीं मिला तो कहीं ना कहीं आते हुए दिक्कत ना हो जाए, पर चलना तो पड़ेगा ही क्योंकि यहाँ तक पहुँच गया आधे रास्ते, अब तो जाना ज़रूरी है। तो दोस्तों आधा रास्ता ख़त्म कर लिया और यहाँ से ही स्नो दिखने लग गई है, अभी आगे भी स्नो है, अभी आधा रास्ता बचा हुआ है, यहाँ पे पानी पानी हर जगह दिखेगा, अब स्लिपरी कितने वो देखते हैं। और तिरुवनंत पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे इस वीडियो में पॉसिबल नहीं लग रहा, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश जारी है कि रास्ते खुले, अगर ऊपर कैंपिंग हो रही है कोई अच्छी तरह गाइड कर दे या कैंपिंग करके आ रहा है तो हम बिल्कुल रुकेंगे और इस त्रियुंड ट्रैक को कंप्लीट करेंगे। आपने त्रियुंड में कैंपिंग की है? कहाँ तक गए थे आप? भैया हम तो यार अभी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे तक। अच्छा, आगे रास्ता खराब है, ज्यादा बहुत ज्यादा खराब है, बर्फ कैंपिंग नहीं हो सकती। कैंपिंग आप चले तो जाओगे पर वापसी आना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ब्लैक आइस है सारी और खाई वगैरह मुश्किल होगी आपको बाद में। तो आप कहाँ तक गए थे? मैं ज्यादा नहीं, यहाँ से अराउंड 2 किलोमीटर तक इससे है, अभी जा सकते हो आप, उसके अच्छा आगे मुश्किल हो जाएगी आपको। तो पूरी ब्लैक आइस है आगे। तो जो लोग ऊपर गए वो कैसे चले गए? गया कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं गया रास्ते में, अभी आपको रास्ते में मिलेंगे, सभी वापिस ही आ रहे हैं। अच्छा, आप जा सकते हो, ये नहीं यहीं से, आप यहीं से मत मुड़ना आगे, अच्छे अगर मिड पॉइंट है वहाँ पे फोटोज वगैरह अच्छी क्लिक होती है, उसके बाद आगे भी है 1 किलोमीटर, तो आप जा सकते हो वहाँ पे। हमारा जो टूर था कि लास्ट 2 किलोमीटर छोड़ के आ गए, हम छोड़ के आ गए, छोड़ के, इसके लिए बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बर्फ है। नहीं ऊपर कई लोग दिख रहे हैं ऊपर जो करते हैं, जा सकते हो आप। अच्छा, ये नहीं कह सकते टॉप तक, टॉप तक कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया। अच्छा, अगर जा भी रहे हो तो गाइड के साथ जाना, ऐसे नहीं जाना, रिस्की काम है, क्योंकि आप अभी तो चले जाओगे, यहाँ पे बर्फ है थोड़ी सी, आगे फोटो जैसी वो है ना ये तो। हाँ जी, यहाँ से निकलोगे ना तो आगे खाई वगैरह इस साइड पे तो मुश्किल होगी आपको। तो कितनी देर लगेगी यहाँ से जाने में जहाँ तक आइस शुरू होती है? 3 घंटे लग जाएंगे आपको। नहीं 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 आइस तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ये तो स्टार्ट हो, तो आपको ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर लगेगा, बस आप पहुँच जाओगे आराम से, इन्जॉय हो जाएगा, इन्जॉय पूरा, मज़ा मज़ा यार, मज़ा बिल्कुल पूरे पूरे। बस ये आगे मत जाना, अकेले हो तो आगे मत जाना जी, तो थोड़ी मुश्किल होगी आपको। थैंक यू। तो जी ग्लेशियर जमा हुआ है पूरा, रास्ते बिल्कुल ख़राब है, फिर भी लोग ऊपर तक जा रहे हैं और बर्फ़ ही बर्फ़ है हर जगह पे, पानी नीचे बहता हुआ आ रहा है जो कि आप देख सकते हो, ये ग्लेशियर जम गया है बिल्कुल। और अभी मेरे को ऊपर जाना है जो कि लगेगा करीबन आधा पौना घंटा ऊपर तक। अगर बिल्कुल टॉप पे जाने की बात करूं तो कुछ लोग गए हैं सिर्फ, जो कि गाइड के साथ गए हैं, और बाकी जो बताया गया वो यही बताया कि वहाँ पर ब्लैक आइस है, जिसकी वजह से पूरा ऊपर तक जाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, तो आप मत जाइए। तो अब देखते हैं कितनी ऊपर तक जा पाता हूँ, बाकी बर्फ़ तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी ब्लैक आइस है, जो कि बहुत ध्यान से जाना पड़ रहा है, पर हाँ यहाँ पे पत्थर है तो थोड़ी मुश्किल ज़्यादा नहीं हो रही, पर यहाँ से पता चल जाएगा कि ब्लैक आइस कितनी डेंजरस है, क्योंकि पैर यहाँ से फिसलने शुरू हो गए हैं, जो लोग ऊपर गए हैं वो कैसे गए होंगे, वो तो बहुत ही रिस्की काम होगा, और रिस्क नहीं लेना, बेशक वीडियो बने या ना बने त्रियुंड ट्रैक तक पूरी, पर रिस्क नहीं लेना, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक जाएंगे और पूरी वीडियो दिखाएंगे आपको। और ऊपर चलते हुए साथ बीच बीच में फूलता है, क्योंकि ट्रैक है ही ऐसा त्रियुंड ट्रैक जहाँ पे आपकी साथ फूलेगी फूलेगी,
पर बाकी ठंड का टाइम है तो और ज्यादा फूलती है। तो जी अभी हम आ गए हैं मैजिक व्यू कैफ़े में, और ये ओल्डेस्ट कैफ़े है जो कि आप देख सकते हो 1984 में स्टार्ट हुआ था, और जब मैं लास्ट टाइम 2016 में आया था तभी भी ये कैफ़े यहाँ पर ही था, और हमने यहाँ पे मैगी खाई थी और कुछ ना कुछ जूस ऑर्डर किया था। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे बैठ के व्यू का इंजॉय किया था, तो अभी भी इंजॉय ही कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद चलते हैं जी आगे त्रियुंत के लिए कि कितना त्रियुंत तक हम जा पाएंगे। भैया स्नोफॉल कब हुई थी यहाँ पे? पिछले 10 दिन पहले। और आगे ग्लेशियर कितनी दूर होगा? 40 मिनट के बाद। 40 मिनट के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैक करने के लिए आ रहे हैं तो आप इस ट्रैक को समर में करिए, क्योंकि समर में बहुत ही अच्छा टाइम होता है अगर आप मई जून अप्रैल में कभी भी आते हो। अभी मार्च का फर्स्ट वीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 दिन पहले स्नोफॉल हो गई थी तो हमें भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। वैसे मैं ये ट्रैक 2016 में कर चुका हूँ, जून के महीने में मैं आया था समर टाइम में, तो बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था। तो मैं दोबारा ये ट्रैक करने के लिए विंटर टाइम में आया हूँ, पर कहीं ना कहीं 10 दिन पहले स्नोफॉल हो गई और रास्ते में आपने देखी होगी कि ग्लेशियर भी थे और कहीं ना कहीं बीच बीच में बर्फ़ भी हमें देखने को मिली, ब्लैक आइस भी देखने को मिली। पर अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो ये स्किप कर दीजिए ये वाले ट्रैक को विंटर टाइम में, आप समर में आइए। और अगर आप पहले आपने कोई खीर गंगा ट्रैक या कोई और ट्रैक किया हुआ है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप गाइड लेकर ये ट्रैक करने के लिए आइए और गाइड आपको एडवाइस करेंगे आपको पूरा ये ट्रैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि अगर आप गाइड के साथ आते हो तो गाइड को बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो बताएंगे कि आपको ये ट्रैक कहाँ तक करना चाहिए। अगर ब्लैक आई जहाँ से स्टार्ट हो जाती है, रिस्क लगता है गाइड को, तो वो वहाँ पर स्टॉप कर देंगे आपको और वापस ले आएंगे। अगर उनको लगेगा कि आपको ये ट्रैक पूरा करना चाहिए और बिल्कुल आप उनके साथ उनकी एक्सपीरियंस के साथ जाइए, आप ये त्रियुंत ट्रैक को पूरा करिए। बाकी अभी हम जाएंगे जहाँ तक हमें ब्लैक आइस लगेगी कि ब्लैक आइस आ गई है कि हम नहीं जा पाएंगे आगे, तो हम नहीं जाएंगे। अगर ये ट्रैक पूरा हो पाएगा तो बिल्कुल ये ट्रैक पूरा करेंगे, तो आपको आगे जाके ज्वाइन करते हैं। तो जी ये ग्लेशियर स्टार्ट हो गया दोस्तों, और आगे के रास्ते बड़ा ही ख़तरनाक होगा क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर इतना ज़्यादा है। वैसे तो आगे जो लोग जा रहे थे उन्होंने मेरे को ये पकड़ा दिया था कि आप ध्यान से जाना अगर जाते हो तो, वैसे तो वो भी नहीं गए थे आगे तक, तो उन्होंने कहा कि हम जा तक गए थे, बस यही लास्ट स्पॉट था, यही लास्ट स्टॉप था उनका जहाँ तक वो गए थे, इसके आगे उनकी हिम्मत नहीं हुई जाने की तो वो नहीं गए। बाकी यहाँ पर पूरी हर जगह पर बर्फ़ ही बर्फ़ है और ग्लेशियर पूरा जमा हुआ है, तो आगे हम भी नहीं जा रहे। और जो लोग आगे गए हैं वो कैसे गए हैं, गाइड को लेके गए हैं, तो बहुत ही रिस्की वाला काम है क्योंकि उतरना भी उतना ही रिस्की होगा। तो होप करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। त्रियुंत ट्रैक पूरा नहीं कर पाए, पर वही है विंटर का टाइम है तो कहीं ना कहीं रास्ते ब्लॉक होते हैं, स्नोफॉल हो जाती है और ब्लैक आइस की वजह से हम पूरा नहीं कर पाए। तो होप करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। मैं मिलूंगा ऐसी नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पर साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप आते हो तो इस ट्रैक को समर में करिए, विंटर में बिल्कुल मत करिए, बहुत ही रिस्की ट्रैक है। तो यही मैं आपको एडवाइस करूँगा कि ये ट्रैक प्लीज़ मत करिए। बाकी ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, और ऐसे ही वीडियो को शेयर करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। मैं मिलूंगा ऐसी नई वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।